नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको L&F क्यों नहीं बाय करना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे पास L&F 11 है, लगभग ये 17-18 हज़ार के आसपास आया था। पता नहीं, हमको ठीक से याद नहीं, बहुत पहले ख़रीदे। आज जो है सो लगभग 7-8 महीने बाद इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फूटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ क्रैक है। तो ये क्रैक होने के बाद जो है सो, जब मैंने बोला कि मतलब उनको कॉल किया कि यार डिस्प्ले का जो है सो मतलब ब्रोक हो गया है और इसको रिप्लेस करवाना है, तो उन्होंने बोला कि यार आपको जो है सो कुरियर करना पड़ेगा। ये सीपी क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, एड्रेस याद भूल गए, बहुत दिन हो गया कोटा गए हुए। तो आपको मेनली जो है सो एलन का जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ इसको कुरियर करना होता है, और वहाँ से वो 5,000 रुपये लेते हैं इसका, सिर्फ स्क्रीन रिप्लेसमेंट का। आप बताओ भाई, महंगे से महंगे मोबाइल का स्क्रीन रिप्लेसमेंट का जो है सो प्राइस 5,000 रुपया नहीं है, और ये 5,000 रुपये ले रहे हैं तो सिर्फ इस टैब का स्क्रीन रिप्लेसमेंट के लिए। इसलिए जो है सो मतलब अभी तक ये बिना स्क्रीन रिप्लेस किए हुए पड़ा हुआ है और कभी यूज़ नहीं किए। ये तो पहला रीज़न हो गया कि आपको L&F बाय क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये हो गया कि यार मतलब इसमें क्या बोलते हैं, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ई बुक्स है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वीडियो लेक्चर्स होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, देखेंगे एकदम क्या क्या सोच लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं जब L&F के बारे में सुनते हैं तो। लेकिन एक्चुअली में ये इसमें वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा आईडी कार्ड है, आप देख सकते हैं, मैं L&F पढ़ता था, TAP2 बैच में था, 038 मेरा क्या बोलते हैं उसको, और फॉर्म नंबर भी मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा रोल नंबर था। और तो आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, ये 2018 का है कि मतलब मेरे ख्याल से 17 का है कि 16 का है, याद भी नहीं है कब गए थे यार इंस्टीट्यूट, बहुत पहले की बात है। तो वही मेरा आइडेंटिटी कार्ड है मेरा, तो बहुत सारा जो मैं वहाँ से जो है सो मतलब 9th से ही पढ़ रहा था, 9th 10th 11th वहीं किया, उसके बाद 11th में वापस आ गया वो पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से। लेकिन जो है सो ये L&F मैंने लिया था कि यार घर पर जाऊँगा तो इससे पढ़ूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ ई बुक के अलावा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने के अलावा कुछ नहीं है। इससे अच्छा आप बायजू का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या बायजू का टैब खरीद लीजिएगा, उसमें जो है सो बहुत सारा फैसिलिटी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले भी इसी L&F को लेके, और उस पर जो है सो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उस पर 2 वीडियो बनाया है मैंने L&F के रिगार्डिंग। तो उसमें जो है सो 10K से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, और 10K से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है सो इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे लोग जो है सो L&F को ख़रीदना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक बार और बनाया कि उनको पता चले कि L&F की रियलिटी क्या है। पहली बार तो अगर आपका जो है स्क्रीन ब्रोक हुआ या बैटरी उटरी कुछ भी ख़राब हुआ तो आपको भारी मतलब पैसा चुकाना पड़ेगा इसके लिए, इसका जो है सो रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, इसको ठीक करवाने के लिए। दूसरा ये हो जाता है कि अगर आप मतलब इसमें लर्न करना चाहते हैं तो आप इसमें ई बुक से लर्न कर सकते हैं, यानी एक तरीके से आप इससे अच्छा किताब खरीद लेंगे, किताब में कम से कम स्ट्रेस तो नहीं होगा, स्क्रीन की तरफ बार बार मतलब लंबे समय तक तो देखना तो नहीं पड़ेगा, और इसमें स्क्रीन है, इससे अच्छा बुक ले लीजिए, उसमें आँख पे भी कम प्रेशर पड़ेगा और दिमाग पे भी, और नींद भी सही आएगा उससे, इससे जो है सो सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा, इसलिए भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अगर जब मैंने उनसे पूछा कि यार आप वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, तो बोलते हैं कि वीडियो लेक्चर्स अगर इंक्लूड कर देंगे तो क्लासेस कहाँ चलती है। वैसे पता नहीं वो सही बोलते हैं या नहीं गलत, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सही बोल रहे हैं या गलत, उनको मतलब इंक्लूड करना चाहिए वीडियो लेक्चर्स या नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि मतलब हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ऐसा अगर कर देंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने कौन आएगा, इसलिए वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारा खामी है इसमें, 1.3 GHz का प्रोसेसर है, 1 GB की 2 GB रैम है, और क्या कहते हैं कैमरा तो महा घटिया, आप देख सकते हैं जब कैमरा आया था इसका तो इस पर स्क्रैच लगा हुआ था, आप देख सकते हैं, अभी पता नहीं क्यों इस पे दिख नहीं रहा ठीक ठीक लेकिन इस पे स्क्रैच अभी भी है, जब आया था तब भी स्क्रैच था और अभी भी स्क्रैच है, और इसमें कुछ खास नहीं लगा हमको, और इसमें मेमोरी कार्ड भी नहीं देते हैं, और 3G सपोर्टेड है, आप 4G जियो का सिम नहीं लगा सकते हैं इसमें। अब पता नहीं शायद अपग्रेड कर दिया होगा, लेकिन जिस समय मैंने लिया था अभी से 1 साल 2 साल पहले तो इसमें वो सब नहीं था, मैंने चेक नहीं किया बहुत समय से। इतना तो पता होगा कि L&F 11 का दाम लगभग 17 से 20 हज़ार के बीच में है, इतना तो पता है। अगर आपको L&F खरीदना है फिर भी किसी भी कीमत पे, तो आप tab.ln.ac.in है शायद, ऐसे करके कोई वेबसाइट है, आप सर्च कीजिए ना L&F गूगल पे, सबसे पहले इसी का जो है रिजल्ट आता है,
गूगल या बिंग जो भी है, मैं तो यार ज़्यादातर बिंग या हो सकता है कभी कभी गूगल भी यूज़ कर लेता हूँ। तो किसी में भी सर्च कर लीजिए आप, पहले पे जो है सो इसका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको एलन टैब बाय नहीं करना चाहिए। और क्या रीज़न बताया, और इसमें लेक्चर्स नहीं है और बहुत घटिया है, और जो है सो मेरा पैसा बर्बाद हो गया 17,000 रुपया, यूज़ भी नहीं कर पाए, और जो है सो पड़ा हुआ था, आज आज जो इसमें धूल लगा हुआ था, इतना धूल साफ करके आपको दिखा रहे हैं, एकदम सारा धूल लगा हुआ था इसमें। तो इसलिए आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार इसमें वीडियो लेक्चर्स होगा, मजे आ जाएंगे एकदम से आराम से देखेंगे, तो ऐसा भूल जाइए, इसमें वीडियो लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं है। इसमें सिंपल सा है, ई बुक्स है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे और भी कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।